हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है? बेसिकली अगर हम तीन चीज़ें ऐसे पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। और बेसिकली अगर हम बहुत ब्रीफली अगर इसको हम समझें तो ये तीनों चीज़ें हमें ना बीच की वैल्यू बताते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आप किसी चीज़ का आप जनरली आप एवरेज निकाल रहे हो, उसको आप सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हो। और सेंट्रल टेंडेंसी हम तीन अलग अलग तरीके से निकालते हैं, बट उसको तीनों डिफरेंट मेथड्स को समझने से पहले हम उसके फंक्शन समझ लेते हैं कि तीनों का ही क्यूमुलेटिवली क्या फंक्शन होता है। हम मीन, मीडियन, मोड या बेसिकली एवरेज हम क्यों करते हैं किसी भी चीज का। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड, चाहे आप एक मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप एक बिजनेस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, डेटा को क्यूमुलेट करते हो, और उसके बाद क्यूमुलेट करने के बाद उसको कंपेयर करते हो। जैसे कंपेयर किसके बीच में करोगे, जैसे आपके पास मान लीजिए दो ग्रुप हैं, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में दो लोकेशंस हैं, आपने ए लोकेशन पे सर्वे कराया, आपने बी लोकेशन के ऊपर सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उन दोनों डेटाज को आपने रिप्रेजेंट किया इन अ टैबुलर फॉर्म, और टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आपने उनके निकाली सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी को फिर आपने किया कंपेयर। जैसे कि आपने बेसिकली उनका एवरेज निकाला और आपने देखा कि एवरेज, ऑन एन एवरेज किसकी ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन है, कहाँ के लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो आप इजीली उससे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एंटायर ग्रुप। आप यहाँ पे ना जब आप कोई बिजनेस करने जाते हो तो आप एक इंसान से अपना बिजनेस नहीं कर सकते, आपको चाहिए उसके लिए बल्क, जैसे बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को आके सपोर्ट करें, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। तो आपके पास हमेशा कस्टमर्स रेडी होना चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इसलिए आप जब भी रिसर्च करते हो, सर्वे करते हो, तो पूरे के पूरे एक एंटायर ग्रुप के ऊपर करते हो। और मीन, मीडियन, मोड उस पूरे के पूरे एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगेन जो मैं पूरी इतनी बात कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए ही कर रहा हूँ, क्या जो रिसर्च के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उस डेटा की आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी पड़ेगी, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और उस एवरेज के ऊपर फिर आपको फर्दर, और बहुत सारे हम आने वाले वीडियोस में हम और भी टेक्निकलिटीज समझेंगे, और भी मेथोडोलॉजी समझेंगे, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हो। एंड लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। जो डेटा आपका आया है उस डेटा से फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हो, उससे आपके रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि आपको कहां पे बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, उस बिजनेस में क्या क्या एडवांटेज, मतलब क्या आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग मार्केट में नहीं है। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं आपको किससे मिले, जो डिसीजन मेकिंग है वो आप इस एनालिसिस के थ्रू कर पाओगे। नाउ कमिंग ऑन टू द थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें सबसे बेसिक आता है मीन। मीन इज बेसिकली एन एवरेज। हम दो तरीके के एवरेजेस की बात करते हैं, एक होता है अरिथमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो कंटिन्यूस बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, दिस इज अरिथमेटिक, जो कि एक ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया, 2, 4, 6, 8 हो गया, 1, 3, 6, 9 ये हो गया। तो ये क्या है, इसमें आप एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हो, दिस इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी से आप निकालते हो एरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मान लीजिए आज आपने इस साल आपने सेल करी है 1 लाख की, अगले साल आपने करी 10 लाख की, उसके अगले साल करी आपने 1 करोड़ की, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जिसका कोई एक ऑर्डर फिक्स नहीं होता, आप बहुत तेज़ी से बढ़ते हो, बहुत तेज़ी से घटते हो, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। अब मीन निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये x मतलब आपका मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन टोटल नंबर। अब समेशन ऑफ x क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का आपको वेट गिवन है, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, 51, 52, तो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं आप उनको सम कर दोगे, तो बेसिकली दिस इज समेशन ऑफ x, जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनको सबको क्यूमुलेट कर लोगे, आप सबको ऐड कर दोगे और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लोगे। जैसे आपने 10 बच्चों का एवरेज लिया था यहाँ पे टोटल, तो उसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका बेसिक अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका वेटेड मीन। अब वेटेड मीन क्या होता है, आप मान लीजिए आपकी एक कार कंपनी है, और एक कार कंपनी में आपके पास अलग अलग 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब 4 प्रोडक्ट में एक आपका, एक जो आपका SKU है वो आपका एक मास्टर प्रोडक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास मारुति सुजुकी की बात करूं, तो उसके लिए उसकी जो स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, ये जो ज़्यादा सेल होने वाली कार्स हैं उसका वेटेज ज़्यादा है,
तो आप उसको है ना ऐसी कार से कंपेयर नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो आपका किसी चीज़ का अगर वेटेज ज़्यादा है तो आपको उसको ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे आपका मान लीजिए आपके पास चार अलग अलग कार थी, तो चारों अलग अलग कार्स का आपके पास में वेटेड एवरेज होगा, फिर इंडिविजुअली आप निकालोगे वेटेड एवरेज उन सबका और फिर उसको ऐड करोगे और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लोगे। जैसे मैंने बताया कि चार कार हैं तो चार से आप डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मीडियन, मीडियन आपके एक्चुअल सेंट्रल टेंडेंसी होती है। आने वाले वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, उसमें हम स्क्विनेस कोटोसिस समझेंगे, तो हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन अभी आप अगर बेसिक समझें तो मीडियन क्या होगा कि आपके जो डेटा को दो एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 5, अब 5 से बड़े कितने हैं 5 से छोटे कितने हैं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन दोनों हाफ में क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस बराबर होना चाहिए। दैट इज़ मीडियन, कि जो आपके ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड कर दे दो इक्वल हाफ्स में, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू। जैसे आपके मैंने आपकी क्लास देखी, मैंने देखा कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों को मेरे को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एन इज़ माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। अब मेरे को 5-5 लोगों के ग्रुप बनाने हैं, तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप मीडियन निकाल सकते हो। अब जैसे ऑड नंबर आ गया कोई 11, तो आप 11 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा 5.5। तो 5.5 से तो ऑब्वियसली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आप उसमें प्लस माइनस 0.5 कर सकते हो, तो उससे आप इजीली आप डिवाइड कर पाओगे। जो 5.5 वाला बंदा तो ऑब्वियसली वो कोई पर्सन तो हो नहीं सकता, तो आपका बाकी का डिवीजन आपका इजीली हो जाएगा, बस आपको उसमें प्लस माइनस 0.5 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी क्लास लिमिट्स गिवन है, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्लास लिमिट क्या होती है, यहाँ पे ना मान लीजिए वेट गिवन है, और वेट कैसे प्रोपोर्शन में गिवन है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम 0 to 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं। तो जब आपको क्लास लिमिट गिवन होती है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, तो मीडियन निकालने का आपके पास उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है, L1 मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन टू माइनस सी इंटू आई डिवाइडेड बाई एफ, वेयर एल आई या L1 कहीं भी लिखा रहता है। तो L1 क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे ये आपका x का टेबल है तो इसी में ना आपकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जैसे 0 से 10 में मान लीजिए 5 बच्चे आ रहे हैं, फिर 10 to 20 में 7 बच्चे आ रहे हैं, 20 to 30 में 3 बच्चे आ रहे हैं। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, 5 + 7 + 3 दैट इज 15। तो ये 15 कहाँ आ जाएगा आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यही बेसिकली आपकी n की वैल्यू है, तो जब आप n बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो n इज बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको n बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपकी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और आप देखोगे कि कौन सी किस जगह पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस क्लास की है। तो इस क्लास में आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगे लोअर लिमिट, 10 इज योर लोअर लिमिट, फिर आपका n आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2 माइनस आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप इससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय i। i क्या होता है, i इज द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होता है, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको क्लास लिमिट मिल जाएगी। जैसे 20 - 10 - 10, 30 - 20 - 10, तो आपकी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हो जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या फिर आपको जो क्लास लिमिट्स होती है, मतलब जो x की वैल्यू है वो आपको क्लास में गिवन होती है, आपको डिस्क्रीट नहीं होती है। नेक्स्ट इज मोड। मोड मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं मोड। मोड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, मैंने आपको क्लास में अगर 10 बच्चों की हाइट निकाली, और 10 बच्चों की हाइट आपकी कैसे आ रही है, किसी की आ रही है 5, किसी की आ रही है 5.5, किसी की आ रही है 5.6, अगेन 5, अगेन 5। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ, 5 3 बार रिपीट हुआ, तो 5 आपके क्या बन गया, मोड हो गया। तो मोड इज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ये मोड भी आपको क्लास वाइज गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 - F2 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 × i। अब यहाँ पे मतलब समझते हम क्या है, L1 जैसे इसमें था
लोअर लिमिट आपकी जो क्लास है, जो आप इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, मोडाइल क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और मोडाइल क्लास सेलेक्ट करने का भी सेम तरीका होता है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल देखना है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, मोडाइल क्लास। अब आप मोडाइल क्लास की लोअर लिमिट लिखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मोडाइल क्लास है तो 10 आपकी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। और फिर आप लोगे यहाँ पे F1। अब F1, F2 और F0 क्या है, जो आपका मोडाइल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F0, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, F1 की वैल्यू कितनी है 5, F2 की वैल्यू कितनी है 3, और फिर नीचे ये सेम चीज़ 2F1 - F0 - F2 / I। आई इज़ अगेन योर क्लास लिमिट, कि आपका डिफरेंस कितना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 10। तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड मिल जाएगी। सो दीज थ्री वर द सेंट्रल टेंडेंसीज, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।